तरह से एलोवेरा को पीसेस में काटना है। अब उसमें चाकू से इस तरह का चीरा लगा दीजिए और खोल दीजिए। चाकू से ही एलोवेरा का पल इस तरह से कट लगाकर बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ का भी, क्योंकि ये दो हिस्सों में बट गया है, दूसरे हिस्से का भी पल्प इस तरह से निकाल कर बड़ी आसानी से इसको हम इस तरह से प्याले में निकाल सकते हैं। एक टीस्पून तेल एक गरम कढ़ाई में डालकर इसमें आधी चम्मच सौंफ, थोड़ा सा हींग डालकर, करीब 1/4 टीस्पून हींग डाला है, और ये थोड़ा सा जब गड़बड़ाएगा तब हम इसके अंदर 2 कटोरी के करीब करौंदे, जो मैंने आधे आधे पीस करके इस तरह से रख दिए हैं, उनको इसके अंदर डालकर थोड़ा सा भूनना है। फिर उसमें एलोवेरा डालना है 2 कटोरी। एलोवेरा को मैंने छील कर उसके अंदर का पल्प निकाल लिया है। एलोवेरा का पल्प 2 कटोरी और करौंदों को थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, करीब 1/4 टीस्पून, और इसको ढक देंगे जब तक ये नरम ना पड़ जाए। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा करौंदा भी नरम हो गया है और एलोवेरा थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, थोड़ा सा कड़क हो गया है। एलोवेरा को जब भी हम पकाते हैं तो ये नरम नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, उसका मतलब कि ये कुक हो गया है। अब हम इन दोनों को ठंडा होने के बाद, गैस को बंद कर दूंगी मैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इनको पीसेंगे मिक्सी में। ठंडा होने के बाद इसको एक मिक्सर जार में लेकर हम पीस लेंगे। उसी कढ़ाई में ये पिसा हुआ एलोवेरा और करौंदा कितने अच्छे कलर में पिस गया है, इसको महीन पिसे हुए मिश्रण को इसी कढ़ाई में डाल के हम गैस खोल देंगे। इसमें 2 कटोरी पिसा हुआ गुड़ या चीनी भी आप ले सकते हैं, वैसे ही पिसा हुआ गुड़ या खांड बाजार में बड़े आराम से मिल जाता है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी चला चला कर। करीब 2 मिनट इसको इस तरह मैंने चला चला के पकाया है, ये अच्छा गाढ़ा भी हो गया है। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, इसको थोड़ी सी देर और चलाकर आधा मिनट और चला देंगे। उससे पहले इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली है, करीब 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है,
गुड़ का भी या चीनी का भी मैंने 2 कटोरी डाला है। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं, पर 2 कटोरी एलोवेरा, 2 कटोरी करौंदा और 2 कटोरी का नाप बड़ा सही बैठता है। आधा मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसने कढ़ाई का किनारा छोड़ना शुरू कर दिया है। ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। एलोवेरा का पल्प, करौंदा और गुड़। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद एक बोतल में निकाल देंगे। वीडियो देखने के बाद कमेंट देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।